समिति द्वारा इस साल भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन की जानकारी के लिए बुधवार को हिंदू उत्सव समिति द्वारा स्थानीय होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष हरिओम सोनी ने बताया कि इस वर्ष सभी लोग बड़ी संख्या में श्री राम नवमी के चल समारोह का हिस्सा बनेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी लोग समिति और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें, जिससे कि दुर्घटना आदि से बचा जा सके। इस पत्रकार वार्ता में नागेंद्र ब्रह्मचारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, महापौर विक्रम आहा के, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, आनंद बख्शी, ठाकुर दौलत सिंह, पूर्व महापौर कांता सदारंग, पूर्व पार्षद संतोष राय, शिव मालवीय ठाकुर, इंद्रजीत सिंह, अभिलाष गोहर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। हिंदुत्व समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकारों को आगामी रामनवमी में होने वाले आयोजन के संदर्भ में समस्त जानकारी दी गई एवं शहर वासियों से समस्त द्वारा अपील की गई है कि हिंदू उत्सव समिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी समस्त गाइडलाइन व नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से बचा जा सके और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हरिओम सोनी, नागेंद्र ब्रह्मचारी, गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओकटे, चौधरी चंद्रभान सिंह, विक्रम आहा के, संजय पोनहार, आनंद बख्शी, ठाकुर दौलत सिंह, कांता सदारंग, संतोष राय, शिव मालवी, इंद्रजीत सिंह, अभिलाष गोहर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। सबसे पहले हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। हमारे वेदों और शास्त्रों में अगर अपन देखें तो समाज के कुछ जागरूक लोगों ने एक ऐसी परंपरा प्रारंभ की है जिसके माध्यम में समाज में एक मार्गदर्शन मिले। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि मैं तीनों लोकों में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे को करना बाकी है, पर इसलिए करता हूं कि मेरे को देख करके दूसरे लोग आचरण करेंगे। तो हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनको इस बात की चिंता रहती है हमारी परिवार की व्यवस्था कैसी रहे, समाज की व्यवस्था कैसी रहे। इसलिए उनके बीच में भगवान राम का एक आदर्श हमारे बीच में है, इसलिए भगवान राम के कार्य के लिए हमें किसी प्रकार के पद की नहीं, बल्कि हम अपनी तरफ से क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा श्री राम मेरे भी हैं, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके। NBCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।